कैसे हुआ ये? मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो इस हालत में। और ये कौन है? ये मेरे देवर जी हैं। इनको क्या हुआ? कुछ दिन पहले इन्हें पैरालिसिस हो गया। वैसे साहब जी, मुझे तो लगता है किसी ने मर्डर ही किया इनका। मर्डर? कौन कौन कर सकता है? वो तो हम पता लगा लेंगे, वो दिक्कत नहीं है सानिया जी। मुझे ये बताओ आप, इनकी कोई दुश्मनी थी किसी से? इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? भला एक काम करो, यहाँ जो भी एविडेंस मिल रहे हो सारे कलेक्ट करो। ठीक है साहब जी। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी साहब जी। और हाँ मैडम, आप जब तक हम ना कहें ये शहर छोड़ करके आप नहीं जा सकती। अच्छा, तो आप इनके नेबर हैं? यस सर। तो क्या जानते हैं इनके बारे में? सर बचपन से देखते आ रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं रखते थे, दुश्मन होना तो बहुत दूर की बात थी। अच्छा, किसी को देखा है आपने आते जाते इन दिनों? नहीं सर, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। पर सर हाँ, एक बात है कि सानिया और सम्राट में कुछ दिनों से तनाव चल रहा था। अच्छा, तनाव किस चीज़ का? सर एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता किस चीज़ का, पर इस बात के लिए मैं श्योर हूँ कि सानिया सम्राट के साथ खुश नहीं थी। क्यों? सर सुनी सुनाई बात थी, सानिया को बहुत पैसे वाला पति चाहिए था और सम्राट के माँ बाप के गुजरने के बाद बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका था, तो पैसों के मामलों में तो रहे नहीं ये लोग, तो इसी बात पे सानिया सम्राट से नाराज़ रहती थी। बस यही चलता रहता था। साहब जी, आसपास सब देख लिया, कुछ नहीं मिला। ठीक है भला, ये सानिया की पूरी डिटेल्स निकालो। ओके साहब जी, मैं जाऊँ सर। ठीक है, आप जाइए। और संजय क्या चल रहा है भाई? बस भाई सब फर्स्ट क्लास। लाइफ में सब बढ़िया है ना? फर्स्ट क्लास भाई। अरे यार सानिया, ग्लास लेके आओ ना यार। अरे आ रही हूँ।
क्या बात है भैया, आज मूड में नजर आ रहे हैं। अरे वीकेंड है यार, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है। घर का काम ऊपर से ही है, नौकरानी नहीं रख सकते। अरे माया तुम आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मैं और अमर डी विला में पार्टी थ्रो कर रहे हैं। ऑलराइट, कुछ खास लोगों को ही बुलाया है और आप सब लोगों को आना है, ठीक है? जरूर जरूर। डी विला तो काफी एक्सपेंसिव है यार। हाँ, आप तो जानते हैं आपके चचेरे भाई को, उसी ने किया ये सब। चलो अब मैं निकलती हूँ और आप सब लोग टाइम पर पहुँच जाना, ठीक है? जरूर। चलो बाय। थैंक यू। क्या हुआ, ये मुंह चढ़ा कर क्यों बैठी हो? कल पार्टी में चलना है ना। पार्टी? अरे यार नाराज हो? मैंने जो तुम्हें पिक्स भेजी थी ड्रेस की एड्रेस के साथ, वो देखी तुमने? हाँ वो देखी थी मैंने, वो काफी बोल्ड और बहुत महंगी थी। तुमसे ना कुछ कहना ही बेकार है। अब मैं पार्टी में क्या अनारकली बन के जाऊंगी? घर में तो नौकरानी बना के रखा ही है तुमने। यार तुम हर बात में इतना सीरियस क्यों जाती हो यार? हाँ वो ड्रेस थोड़ी सी आउट ऑफ बजट थी इसलिए नहीं खरीद सकता मैं, पर घर में ऐसी ड्रेस क्यों? माना कि माँ बाप नहीं है लेकिन भैया तो हैं। तुम ना अपने प्रवचन बंद करो, अपने संस्कार बड़बड़ी बात सब अपने पास रखो, मुझसे इन सबसे दूर रखो, ठीक है? क्या तुमसे बात करना ना बेकार है, जाने दो। हमेशा ऐसे ही करता है। जी सर, जी सर, मैं आपको रिपोर्ट देता हूं सर। ओके जैन सर। क्या रिपोर्ट लाए हो भला? काफी सारी खबर है साहब जी। जैसे? जैसे कि सम्राट और अमर, उसका चचेरा भाई, दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। ये अमर कौन? माया का पति? जी साहब जी। उनके बीच काफी अच्छा भी चल रहा था पर पता नहीं दोनों भाइयों ने अपना बिजनेस अलग अलग स्टार्ट कर दिया। बिजनेस तक तो ठीक था बल्ला, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई की वजह कुछ तो गड़बड़ चल रहा था इन दोनों के बीच। जी साहब जी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत कुछ अजीब है सर। तुम एक काम करो भला, मुझे सम्राट और अमर दोनों की डिटेल रिपोर्ट दो, इनके कॉल रिकॉर्ड निकालो, अपने मुखबिरों से सख्ती से पूछताछ करो, फिर मुझे बताओ, कुछ तो निकलेगा। जी साहब जी। एक बार और पूछताछ करो। जी साहब जी। यार तुझे पता है कल बहुत मजा आया, यू मिस्ड इट, पार्टी बहुत अच्छी थी यार। यार तुझे पता तो है घर में कितना सारा काम होता है। तू कब तक ऐसी रहेगी यार? अच्छा छोड़, मालदीव चलेगी? तू मालदीव जा रही है? हाँ, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं, तू भी चलना। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, तुझे पता है ना सम्राट जाने नहीं देंगे। हाँ यार, काश तेरी लाइफ में भी कोई अमर जैसा होता। हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ चल, मुझे ना शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। और हाँ तू शाम तक मुझे बता कि तू आएगी या नहीं, ठीक है? चल चल फिर मैं भी निकलती हूँ ना। अरे नहीं नहीं तू कॉफी आराम से पी, और हाँ कॉफी खत्म करके ही जाना। चल बाय। माही, अरे मेरा टॉवेल लाना।
अरे भाभी आप, सॉरी मुझे लगा माही है। पर मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगा। थैंक यू, सॉरी। ठीक है मैं चलती हूँ। क्या हुआ, बहुत परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? यार एक्चुअली मेरा फोन नहीं मिल रहा। लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था? शायद माया के घर पे छूट गया। कोई बात नहीं, कल ले आना, अभी काफी टाइम हो गया, कल ले लेना। कल नहीं, मुझे अभी चाहिए। मगर यार, यार मुझे पता था तुम यही कहोगे। यार मैं नहीं जा रहा, तुमको जाना है तुम चली जाओ, ठीक है? ठीक है। भाभी आप फिर से? वो एक्चुअली मैं अपना फोन भूल गई थी। आपका फोन? भाभी आप, क्या मैं खूबसूरत नहीं, या फिर माया से खूबसूरत नहीं? सच बताना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं भाभी, आप बहुत खूबसूरत हो। ये देखिए साहब जी, और ये साहब जी, ये सब ट्रैफिक चलान की रसीद से ले आया, सानिया की स्कूटी है ये ना, तस्वीर से तो ये साफ पता चलता है कि अमर और सानिया कुछ तो क्लोज थे एक दूसरे से। क्लोज नहीं साहब जी, बहुत ज्यादा क्लोज थे। साहब जी क्या इस क्लोजनेस का सम्राट के कत्ल से कुछ लेना देना हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते भला, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तुमने एक बात नोटिस की भला? वो क्या साहब जी? कि संजय सम्राट का छोटा भाई अभी कुछ दिन पहले तक इस शर्मा फैमिली में सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से इस संजय को पैरालिसिस हो जाता है और फिर सम्राट का कत्ल भी हो जाता है। क्या साहब जी इन दोनों का जो मैटर है इससे कुछ लेना देना हो सकता है क्या साहब जी? इन दोनों घटनाओं के बीच में कुछ तो कनेक्शन है भला, कुछ तो है। मुझे लगता है हमें संजय से बात करनी चाहिए। पर साहब जी हम एक पैरालाइज इंसान से बात कैसे करेंगे? ठीक है, बात नहीं कर सकता है, वो इशारा तो कर सकता है। हाँ ये तो है साहब जी, क्या पता हमें वहां जाकर कोई अहम सुराग मिल जाए। जी साहब जी, पर वहां जाने से पहले भला एक बात पता करो, ये अमर और सानिया एक दूसरे के कितने करीब थे? मैंने अपने मुखबिरे को काम पे लगा दिया है साहब जी, देखते हैं क्या मिलता। ठीक है चलो। जी हेलो। हेलो अमन। हाँ? मुझे तुमसे अभी मिलना है, अभी मतलब अभी के अभी मिलना है मुझे तुमसे। पर अभी मैं नहीं मिल सकता। पर क्यों? मेरी गाड़ी खराब है।
अच्छा तो तुम्हारी गाड़ी खराब है, ठीक है तो मैं अपनी स्कूटी से आ जाती हूँ। अरे क्या हुआ अमर, तुम्हें काफी बदले पतले लग रहे हो। मुझे बात करनी है तुमसे कुछ। मैं इस रिलेशनशिप को और कैरी नहीं कर सकता। किस खुशी में? एक्चुअली माया इज प्रेग्नेंट, वो मां बनने वाली है। तो मुझे छोड़ दोगे? देखो इस रिलेशनशिप से ना तुम्हें फायदा है ना मुझे, कुछ होने वाला तो है नहीं। मुझे यही कहना था तुमसे, आई एम सॉरी, अब मैं निकलता हूँ, बाय। एक बात सुनो अमर, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है और तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ो मेरा हाथ। लिसन अमर, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं गया, कोई जरूरी काम था। अच्छा तुम बताओ तुम कहां से आ रही हो? मैं माया के घर गई थी। माया के घर से? माया के घर से तो मैं खुद आ रहा हूं, तुम तो नहीं थी वहां पे। माया नहीं, मैं नेहा के घर गई थी। वो तो देखा मैंने तुम्हें ट्रैफिक चलान साइड पे, किस तरह तुम मेरे कजन भाई के साथ चिपक कर बैठी थी। आज तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से भी देख लिया। ये सब तुम क्या कह रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। समर सुनो मेरी बात, निकल जाओ, जाओ प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बात है भैया, आप कुछ आज ज्यादा नहीं पी रहे? इससे पहले मैंने कभी आपको इतना पीते हुए नहीं देखा। संजय, संजय, संजय क्या हुआ? संजय, संजय, हेलो। हेलो कौन? अमर? हाँ वो एक्चुअली माया का मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। मुझे ना लग रहा है कि जो मैंने गलतियां की तुम्हारे साथ, भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। और अब तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यार मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, और सच तो यह है कि तुमसे दूर होके मैंने जाना कि तुम्हारे बिना जीना कितना मुश्किल है। सॉरी रॉन्ग नंबर। हेलो, हेलो, हेलो
रॉन्ग नंबर। साहब जी, एक विटनेस मिला है सम्राट केस में। वो कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, आज ही लौटा। क्या कहना है उस विटनेस का? उसने बताया कि उसने उस रात को किसी को घर में घुसते हुए देखा था। बताया वो कौन था? नहीं साहब जी, उसका चेहरा नहीं देख पाया। फिलहाल एक काम करते हैं जी, सम्राट के घर चलते हैं और वहां जाकर संजय से बात करने की कोशिश करते हैं। ओके साहब जी, चलते हैं। चलो संजय, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। आप अपने भाई के कातिल के बारे में कुछ भी जानते हो? किसने मारा है उसे? अमर? सानिया ने मारा है? चेक करो, सानिया अंदर है। अच्छे से चेक करो भल्ला। जी साहब जी। साहब जी, अंदर कोई नहीं है। सानिया का मोबाइल ट्रैकिंग पर डालो। जी साहब जी। पता करो ये कहाँ मिले। यार, सम्राट के जाने के बाद तू खुद को अकेला मत समझना। मेरा छोड़, तू अपना बता। यार मैं सुबह से बहुत थकी हुई हूँ, बहुत सर दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है? ठीक है।
तूने कुछ मिलाया है क्या इसमें? मेरे और अमर के बीच में कोई नहीं आ सकता, और वो जो एक छोटा सा कांटा था ना, वो भी अब निकल जाएगा। लोगों को अब ये लगेगा कि तुमने मिस कैरिज की वजह से सुसाइड कर लिया। रुको, वरना गोली मार दूंगा। हाँ हाँ, मैंने ही मारा है सम्राट को। एक अच्छी जिंदगी चाहती थी मैं, और क्या मिला मुझे? तुम जानती हो, सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी के चलते तुमने कितने लोगों की जिंदगी खराब की है। अब जीना अच्छी जिंदगी जेल में। याद रखना, बुराई का अंजाम सिर्फ बुरा होता है। भला जी साहब जी, लेके जाओ इसे। चलो मैडम।